अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई सुबह और एक नए दिन का आगाज आपको मुबारक हो। कल की वेदर कास्ट में हमने देखा था कि आज धूप निकलेगी, तो कल से जहन बनाना शुरू कर दिया था, यार बहुत दिन हो गए नहाए हुए तो आज नहा लेते हैं। तो आज आपका भाई नहा लिया है। वाओ, वेरी डेंजरस। तो अब हम आज के जो हमारे दिन के काम है वो ये है कि हमने भाई की फीस पे करनी है, यूनिफॉर्म पूछना है, किताबें पूछनी है, वो प्रमोट हो गया नई क्लास में, और उसके अलावा एक दो दिन और काम है। आज मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी घुमाऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार तो भाई की फीस पे करने गए थे तो वहां पे पता चला कि फीस डिजिटली पे होगी बैंक के थ्रू, तो उसके लिए मैं बैंक का अकाउंट बनवाना पड़ेगा, तो वो कल पे पेंडिंग हो गया है। तो अब हमें चाहिए था टोनर प्रिंटर के लिए, प्रिंटर का टोनर खत्म हो चुका था, तो हम यहाँ पे आए हैं टोनर लेने खान प्लाजा कंप्यूटर मार्केट। तो यहाँ से टोनर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यार सारी मार्केट घूम चुके हैं, अभी तक टोनर नहीं मिला, और इसका ये सीन है कि ओरिजिनल चाहिए हमें, और यहाँ पे फर्स्ट कॉपी है और चाइना की कॉपीज हैं, तो वो अभी तक नहीं मिला। हम देखते हैं कि हमें मिलता भी है कि नहीं मिलता। लेट्स Go to that shop. Much later. यार बहुत सारी दुकानों से घूमने के बाद आखिर फिर ये डिसाइड किया कि फर्स्ट कॉपी ले लेते हैं। ओरिजिनल महंगा भी था और साथ में अवेलेबल भी नहीं था, तो हमने ये ले लिया टोनर। तो अब हम चलते हैं सर के पास और लेट्स स्टार्ट अगेन। यार अब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जुनूब पंजाब के पहले नंबर पर शुमार होने वाली अजीम शान तबलीगी दरसगाह है, और यह मुल्तान शहर के वस्त से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। 960 एकड़ पर मुश्तमिल ये दरसगाह तकरीबन 60 शोबों में तालीम देने के लिए कोशा हैं। 630 असातिज़ा में से 389 डॉक्टरेट की डिग्री भी रखते हैं। इसका संगे बुनियाद सन 1975 में रखा गया। उस वक्त इसको शुरू करते वक्त तकरीबन 8 शोबे थे जिनमें तालीम का आगाज़ किया गया था, और तालीम का आगाज़ करने के लिए किराए पर इमारतें ली गई थी। मार्च में पैसे। यार तो हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, मैंने सर को टोनर दे दिया है। तो ये हमारे बिजनेसमैन भाई, क्या नाम है आपका यार? मुनीब खान। ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो लेट्स सी कि इनका प्रोडक्ट किस महीने में लॉन्च करेंगे यार? इंशाल्लाह ताला जून के शुरू में ये करेंगे। ये हमारे जूनियर भी हैं, एक किस्म के हमारे बैच फैलो जूनियर बाद में है, पहले हम बैच मेट हैं। बीएस हमने इकट्ठे किया है, ये मेरे सीनियर बन गए हैं फिल्म में, अब मैं इनसे एक साल जूनियर हूँ। हाँ तो यूनिवर्सिटी आया हुआ था, मैंने कहा चलो दोस्तों से इंट्रोडक्शन करवा लूँ। बाद में ये हमारा डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट भी है साथ में, ये सारा डिपार्टमेंट है, पूरा एग्रीकल्चर की फैकल्टी का डिपार्टमेंट है ये, रेंज लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये रेंज एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ये मेरा डिपार्टमेंट है, और साथ में ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का है, ये हॉर्टिकल्चर का है, वहाँ पे एंटोमोलॉजी का है, वहाँ पे एग्रोनॉमी का है, वो साथ में हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल एडमिन है, एडमिन ये मेन एडमिन एग्रीकल्चर। ठीक है मुनीब भाई, ठीक हो गया और ओके सर, ओके अहमद भाई, चलो आपको यूनिवर्सिटी का मजीद तरक्कियां दे। 13वीं सदी में मुल्तान के मशहूर और मारूफ सूफी बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़करिया, जिन्होंने मुल्तान में मजहबी आलूम के लिए एक दरसगाह कायम की जिसमें दुनिया भर से लोग मजहबी तालीम हासिल करने के लिए आते थे, और उन्होंने इन मजहबी आलूम को हासिल करने के लिए वजीफा भी मुकर्रर किया। तो सन 1989 में उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान रख दिया गया। इसके सब कैंपस लैया विहाड़ी और लोधरा में हैं। यार तकरीबन दिन ढल चुका है, तो मोबाइल का जो वाइड एंगल है वो ज़रा स्लो पड़ रहा है, तो मैं इसके 1x से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये यार यूनिवर्सिटी की बायो पार्क है, बहुत ही हसीन है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जानवर परिंदे जो भी हैं वो रखे जाते हैं, मछलियों के तालाब हैं और प्लांट्स की डाइवर्सिटी है। तो यार मेरा जो बेसिकली कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया तो फिर दो तीन कैटेगरीज हैं कि आपने इंजॉय कितना किया, पढ़ा कितना अच्छा, आपने पढ़ के जो डिग्री से बाहर मतलब निकले यूनिवर्सिटी से बाहर तो आपने क्या अचीव किया क्या। अब कुछ लोग होते हैं जो वन नाइट स्टडी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करके पढ़ते हैं,
तो बेसिकली जो बैलेंस है वो यही है कि बंदे को पढ़ना भी चाहिए साथ में इंजॉय भी करना चाहिए। तो लाइफ इज अ क्रिएशन ऑफ मीटिंग्स एंड डिपार्चर्स, विदाउट मीटिंग वी कैन नॉट डिपार्ट, डिवाइड ऑफ अ डिपार्चर देयर इज नो मीट अप अगेन, सो आई हैव गॉट टू लीव, फ्लावर्स बी रिक्वायर्ड टू विदर बट अ रिवर बी सपोज्ड टू पोर, फॉर्म्स ओट टू रिटर्न आफ्टर किसिंग द शोर, सो आई एम लिविंग नाउ बट नॉट लाइक एन अटेंडर, जस्ट लाइक ए स्ट्रेंजर। अल्हम्दुलिल्लाह से आपका भाई स्टार्ट से ज़हीन है और बस मेहनत में थोड़ी सी कोताही कर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से हमने डिग्रियाँ हासिल की हैं। मैट्रिक में भी अच्छे नंबर थे, तकरीबन अबव 85% थे, और FSC में भी अबव 85% थे। इसके अलावा अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो डिग्रीज वगैरह थी इनमें CGPA तकरीबन 3.9 तो 4 के नज़दीक ही थी। तो पढ़ाई में आपका भाई वेला नहीं है, तो बाकी टाइम वेला है उसका कुछ कह नहीं सकते। तो बात यह है कि दूसरी कंट्रीज़ में जब स्टडी की जाती है वो दो पर्पसेस के लिए की जाती है। एक तो ये कि जिसका उसमें इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है कि मैंने ये बनना है, तो वो उसके लिए स्टडी करता है, और दूसरा ये कि शोर हासिल करने के लिए लोग स्टडी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में स्टडीज़ दो पर्पसेस के लिए की जाती हैं, एक ये कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अगर इसमें से कुछ नहीं बना तो फिर जो हमारे ऊपर तसल्लुत कर दिया जाएगा हमने वो बनना है। यार मैं एक फैक्ट आपको बताना भूल गया बायोपार्क के बारे में, जो एक फैक्ट या फैक्ट ऑफ द डे है, मुझे है कि बायोपार्क या तो डेटिंग पॉइंट के लिए मशहूर है, डेटिंग के लिए, या फिर इसमें ग्रुप स्टडीज़ के नाम पे पार्टियां होती हैं, तो यहाँ पे बहुत रश होता है जी नॉर्मल डेज़ में। हाँ तो यार कैसी लग रही है मेरी यूनिवर्सिटी आपको? आई होप कि बहुत पसंद आएगी जैसे मैं पसंद हूँ आपको। एस्थेटिकली ये यूनिवर्सिटी बहुत ही प्यारी है, अगर आप कभी डेली रूटीन से तंग हो और थोड़ा सा फरार चाहते हो तो PGU विजिट कर सकते हैं, इट विल बी वर्थ टू विजिट। एस्थेटिक वाइब्स, रात को विजिट करेंगे तो चरिंद में आपको गिदड़ मिलेंगे और दिन में क्यूट नेचर एंड बर्ड्स। तो यार इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये मेरे डिपार्टमेंट का रिसर्च एरिया है, फुल गर्मी में ठंडे माइक्रो क्लाइमेट्स और सर्दी में नॉर्दर्न एरिया वाइब्स। व्हाट डू यू से ब्रदर्स? विजिट करके आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, जो विजिट कर चुके हैं वो भी बताएंगे, जो हॉस्टलाइज हैं और हॉस्टलाइज होकर छोड़ चुके हैं वो भी बताएं कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, अगर मैं ठीक नहीं कह रहा तो मुझे कमेंट्स में गलत करें। ये जो पीछे जो एरिया है ये थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड है, मतलब ट्रीज बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, तो वहाँ पर मैं नहीं जाता, कोई ब्लांच ना हो यार, कार्ड शार्ड ना ले, आपका भाई फ्यूचर है यार पाकिस्तान का, तो ऐसे थोड़ी ना रिस्क ले लेंगे। तो यार अब घर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, एक दो चीज़ें और हैं वो करेंगे, उसके बाद व्लॉग को करेंगे एंड। तो आई होप कि आज का व्लॉग भी मेरा आपको बहुत पसंद आने वाला है। हाँ तो यार जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, अगर मूड नहीं बन रहा तो यार करा लेंगे, आपको दोस्त बना लेंगे आपको भी, यार टेंशन ना लें, ऐसा ऐसा सब्सक्राइब करा लेंगे। चलें जी मिलते हैं फिर आपको घर जाके। यार एंटर हुए थे हम यूनिवर्सिटी के फ्रंट गेट से, अब यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं बैक गेट से, तो ये यूनिवर्सिटी का बैक गेट है, तो बैक गेट से हम जाएंगे। ये सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई, क्या हाल है? तभी से ठीक है यार, सर्दियों और सब चीज़ें ना हो ये तो हो नहीं सकता। ग्रेप फ्रूट का जूस बनवा रहे हैं हम, ये हमारे इजाज़ भाई हैं। इजाज़ भाई तबीयत सेहत कैसी है आपकी? ठीक है, पी लेना चाहिए यार, ज़रूरी नहीं है लेकिन पी लो तो अच्छा है। नमक थोड़े पा लिया यार, अगर बंदा इस तरह के जूस पिए तो साथ में काली मिर्चें या अदरक वगैरह वो भी डलवा लेनी चाहिए, मैं स्पेशल यहाँ से डलवाता होता हूँ तो फ़ायदा है। जूस हमारा बन चुका है माशाल्लाह, पीसो। बहुत मज़ा आ रहा है। 24 hours later
हाँ तो यार फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं तकरीबन तमाम काम करके, और देख रहे होंगे आप कितना थका हुआ हूँ, थक चुका हूँ बहुत, सर्दी भी लग रही है, मैंने जर्सी भी पहन ली है। मुझे लग रहा है कि वो जब हमने अभी जूस पिया है ना थोड़ी देर पहले, तो वो थोड़ा सा ठंड कर गया। यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड, तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।